गाजा में इजरायली सेना ये दावा करती है कि उसने 40 से 50 फीसदी हमास के लड़ाकों को मार गिराया है, लेकिन इस बात का उसने आज तक कोई सबूत पेश नहीं किया। लेकिन गाजा में आईडीएफ के सैनिकों की होती दुर्गति के वीडियोस हमास जरूर जारी करता रहता है। हमास के इन वीडियोस में आईडीएफ की तबाही साफ नजर आती है। गाजा में इजरायली सेना त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्ला रही है। जिस दमखम के साथ वो गाजा में उतरी थी, अब पूरी तरह से गायब हो चुका है। दरअसल हमास के हमलों ने इजरायली सेना की कमर तोड़ दी है। यहां तक कि अब इजरायली सैनिकों का मनोबल भी गिरता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ गाजा में आईडीएफ को सैनिकों और हथियारों की भी कमी होती नजर आ रही है, और इसका जीता जागता सबूत हमास के वो वीडियोस हैं जिनमें आईडीएफ पर भीषण हमले होते हुए दिखते हैं। और अब इसी कड़ी में गाजा के खान यूनिस शहर के पूर्वी इलाके फराहिन में अलकासिम ब्रिगेड ने आईडीएफ पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। दरअसल यहां पर एक बिल्डिंग में आईडीएफ के कुछ जवान तैनात थे, और अलकासिम के लड़ाकों ने इसी बिल्डिंग में एक एंटी पर्सनल डिवाइस को फिट करके उसे उड़ा दिया, जिससे ये बिल्डिंग भरभरा कर आईडीएफ के ऊपर आ गिरी, जिसकी वजह से आईडीएफ को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसके अलावा जलाता इलाके में भी अलकासिम ने आईडीएफ पर दो एंटी पर्सनल और एंटी व्हीकल डिवाइस से हमला किया है, और इस हमले के बाद अलफराहिन इलाके में अलकासिम ने आईडीएफ के 9 जवानों पर सीधा हमला किया, और इस हमले के बाद अलकासिम के लड़ाकों ने इसी इलाके में आईडीएफ के D9 बुलडोजर पर अलियासीन 105 गोलों से हमला किया है। अलकासिम का कहना है कि उसने तलल हवा में आईडीएफ की पैदल सेना के काफिले पर एक रादिया विस्फोटक डिवाइस लगाकर एक बड़ा ब्लास्ट कर दिया, और इसके बाद जलाता इलाके में एक सुरंग में बूबी ट्रैप लगाकर आईडीएफ की इंजीनियरिंग फोर्स पर बड़ा अटैक किया है। अलकासिम का कहना है कि उसने पश्चिमी रफा के तलल सुल्तान में आईडीएफ पर एक और बड़ा अटैक किया। दरअसल यहां पर आईडीएफ घुसने की कोशिश कर रही थी, तभी अलकासिम ब्रिगेड के लड़ाकों ने उनके ऊपर रॉकेट दागने शुरू कर दिए। अलकासिम के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक खंडर पड़ी इमारत में अलकासिम के कुछ लड़ाके लॉन्चर से लगातार रॉकेट फायर कर रहे हैं। इसके बाद हरियाली के बीच टेंट नुमा शेल्टर बनाकर अलकासिम के दो लड़ाके रॉकेट दागते हुए नजर आते हैं। इसके बाद वीडियो में दूर से आईडीएफ के कुछ सैन्य वाहन आते हुए नजर आते हैं, जिन पर ये लड़ाके रॉकेट दागने लगते हैं। वहीं अलकुद्स ब्रिगेड ने तलल हवा में बूबी ट्रैप अटैक का एक वीडियो जारी किया है। अलकुद्स के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे अलकुद्स के लड़ाके एक घर के भीतर बारूद छिपा रहे हैं। एक लड़ाके के हाथ में एक हैंड ग्रेनेड भी दिख रहा है, जिसे वो एक टेबल के नीचे बांध रहा है। इसके बाद इस बारूद के ऊपर अलकुद्स के लड़ाके एक सोफा रख देते हैं, और कुछ ही देर बाद यहां पर इजरायली सेना के वाहन और टैंक पहुंचते हैं, जिसके बाद आईडीएफ के कुछ सैनिक बूबी ट्रैप लगी इस बिल्डिंग में घुसाते हैं, और तभी जोरदार ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के बाद अलकुद्स के लड़ाके बाकायदा दोबारा इसी बिल्डिंग में पहुंचते हैं, और उन्हें मौके पर सोफे के चीथड़े और ब्लास्ट की वजह से बिखरा हुआ सामान नजर आता है।